फ्रेंड कैसे हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक ही ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी A14 5G और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G को 14,490 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A14 5G को 16,499 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 रुपीज ज्यादा खर्च करके Samsung Galaxy A14 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2000 रुपीज कम खर्च करके Samsung Galaxy F14 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस के लिए दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। Samsung Galaxy F14 5G में भी Samsung का Exynos 1330 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Samsung Galaxy A14 5G में भी Samsung का Exynos 1330 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इनकी प्राइस को अगर देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले के साइज में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि Samsung Galaxy F14 5G में भी 6.6 इंच की प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Samsung Galaxy A14 5G जिसका प्राइस 2000 रुपीज ज्यादा है, उसमें भी आप लोगों को 6.6 इंच की प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन डिस्प्ले की क्वालिटी आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में डिफरेंट होने के बावजूद भी इन दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी देखने को मिल जाती है, उसी तरह लगभग इन दोनों स्मार्टफोन में कैमरा सेटअप भी एक जैसा ही देखने को मिल जाता है। Samsung Galaxy F14 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ Samsung Galaxy A14 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करें, जो प्राइस में डिफरेंट होने के बावजूद भी इन दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, क्योंकि Samsung Galaxy F14 5G में भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Samsung Galaxy A14 5G में भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो Samsung Galaxy F14 5G का प्राइस 2000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर बैटरी के मामले में Samsung Galaxy A14 5G के बैटरी बैकअप से काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि Samsung Galaxy F14 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Samsung Galaxy A14 5G का प्राइस 2000 रुपीज ज्यादा है, उसमें आप लोगों को 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 15 वाट के ही फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोगों को Samsung Galaxy F14 5G में देखने को मिल जाता है, क्योंकि कम प्राइस में भी आप लोगों को ज्यादा बैटरी बैकअप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है Galaxy के F14 5G में। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सिक्योरिटी फीचर की बात करी जाए तो Samsung Galaxy A14 5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Samsung Galaxy F14 5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। Samsung Galaxy F14 5G के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 2000 रुपीज कम खर्च करने के बावजूद भी आप लोगों को एक जैसा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी एक जैसी देखने को मिल जाती है, कैमरा सेटअप भी एक जैसा देखने को मिल जाता है और बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड ज्यादा देखने को मिल जाती है Samsung Galaxy A14 5G के मुकाबले में। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 2000 रुपीज कम खर्च करके Samsung Galaxy F14 5G को ही बाय करें।